हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ शुएब अख्तर और आज हम पहुँचे हैं ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट, तस्मानिया में एक हॉबर्ट करके जगह है। तो हमारा वर्ल्ड टूर चल रहा है, तो आज अभी हम ऑस्ट्रेलिया में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बोलें कि थोड़ा निकल के यहाँ का भी वीडियो वगैरह बना के आपको दिखाते हैं कैसा है हॉबर्ट और कैसा रूल है यहाँ का। तो बाहर निकलते ही सिटी स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोग कार टैक्सी लेके जाते हैं, हम तो पैदल ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पे सामने मैप लगा हुआ है, देखेंगे ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, जाकर रेस्ट भी करना है। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। हम चलते चलते जा रहे थे, ये रास्ते में हमको दिखा तस्मानिया यूनिवर्सिटी, पता नहीं इसमें कौन पर नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन सबसे छोटा यूनिवर्सिटी देखा मैंने आज तक। ये टू बाइट इतना बड़ा तो मुंबई में घर ही होता है भाई सिंगल लोगों का। बनाया था 1903 में, तो 19 उस टाइम पे तो जमीन का भी लोचा नहीं था, इतना सारा जमीन तो बनाया नहीं, इतना छोटा सा यूनिवर्सिटी बनाया है। लेकिन है तो बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से पूरा शिप वगैरह लगा है और यहाँ पे अंकल लोग बैठे बैठे ठंड में जम गए हैं। ये छोटा बच्चा है, ये भी ठंड में जम गया है, अरे बेचारा भूख लगा हुआ है इसको। ये आंटी लोग भी ठंड में जम गए, यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, अभी ठंडी नहीं है, अभी तो मौसम ठीक है लेकिन जम गए लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे कुछ रोड का काम चल रहा है और यहाँ से हम अपने शिप दिखाएंगे आपको, दिखेगा तो यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है हमारा शिप। और देखो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो बर्फ में जम गए हैं ठंडी की वजह से। ये कुत्ता भी बेचारे, देखो स्कूल के बच्चे आए यहाँ पे डोनेट करने, नहीं यहाँ पे कुछ तो लिख रहे हैं लोग। ये लोग ऐसे घूमते घूमते एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे बताओ हमारे यहाँ पे कितना प्रेशर लिया जाता है। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, घूमते फिरते एग्जाम देना चाहिए। आना भाई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखो यहाँ पे छोटी छोटी बोट पड़ी हुई है मच्छी मारने वाली, यहाँ पे सुबह में जब जाते हैं लोग दाल चावल खरीदने और शाम को जाते हैं मच्छी मारने और दाल चावल मच्छी बना के खाते हैं यहाँ पे लोग। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई मार्केट में जा रहे हैं और वो है तस्मानिया माउंटेन, चलिए चलते हैं आगे। तो कार बड़ा मस्त है भाई। 12 seconds later. हम तो जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पे मार्केट में, लेकिन ये बंदा मिला, ये जरी मरी का है, मेरा दोस्त है। ये बोल रहा है कि तुमके गार्डन लेके जाते हैं, गार्डन देख के पागल हो जाएगा, और अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहा तो मतलब गार्डन अच्छा नहीं है। किधर से भाई? अच्छा फोटो खींच रहे, मेरे को लगा उधर गार्डन आ गया। ये अच्छा गाड़ी नहीं है, अच्छा गाड़ी देखते गाड़ी क्या है। अरे तो मुंबई में कचरे से गाड़ी पड़ा हुआ है। रेंज? हाँ मेरे को एक दिला दे। मैं खरीद नहीं सकते लेकिन पड़ा हुआ है मुंबई में, मैं ये नहीं बोला। ये कौन सा ब्रिज है भाई, क्या है अजीब गरीब चीज, पुराना सामान ऐसे रखते है? हाँ किस काम के लिए रखे लेकिन इसको जो कंटेनर में, हाँ ये कंटेनर उठाने के लिए पुराने जमाने का, वो क्या बोलता है किराने पुराने जमाने का। अरे तो बड़ा डेंजर रोड लग रहा है भाई, ये ब्रिज तो बड़ा डेंजर है भाई। आ सकते ना। देखो एक और बात, मेरे को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे रोड क्रॉसिंग के टाइम पे आप आराम से जाओ और आपको अगर क्रॉस करना है तो ये बटन दबाओ, अगर सिग्नल चालू है तो वहाँ पे रुक जाएंगे, अपना रेड बत्ती जला रहेगा, अभी तो चालू हम लोग क्रॉस कर लिए, जब ही दबाएंगे तभी धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद रेड बत्ती जल जाएगा, अगर नहीं दबाएंगे तो सिस्टम को लगेगा कि यहाँ पे कोई वेट नहीं कर रहा है तो सिग्नल चालू रहेगा, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे अपने यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि 5 मिनट ग्रीन चलेगा, 2 मिनट रेड चलेगा, ट्रैफिक नहीं रहता फिर भी गाड़ी को रुकना पड़ता है, और जब ऐसा रहता है यहाँ पे एक ट्रैफिक हवलदार भी खड़ा रहता है, उसका पगार भी अपने पकड़ से जाता है, आम आदमी की पकड़ से, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ये लेके, अरे रुक जा रहा सब लिया, अरे रुक जाएगा, फटाक से निकल रहा नहीं तो गाड़ी छोड़ देगी। ये बच्चे अभी तक घर पे नहीं पहुंचे, इनकी मम्मी खाना बना के वेट कर रही होगी। ये देखो ऐसा वाला आवाज़ आता है, बंद हो गया यार आवाज़। देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलियन पोस्ट ऑफिस, अगर आपको कुछ भी पैसा वैसा भेजना हो तो ये भी भेजिएगा, हम जब तक ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे बैठने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, बस स्टैंड देख के एकदम अच्छा लगता है, एकदम सेक्सी लगेगा, लेकिन वीडियो कैमरा वगैरह सब लगा, लाइट रात को अच्छा दिखता है, मिरर के अंदर लाइट जलेगा और जो एडवर्टाइजमेंट लगा है बहुत अच्छा चमकता है।
दूसरी बात है, यहाँ पे बन जाता है जो भी सामान, गंदा नहीं होता जल्दी क्योंकि लोग थूकते नहीं है। देखो एक भी थूकने का निशान नहीं है। अरे कहीं होगा भी तो भी एशिया नहीं आके किधर थूका रहेगा, देखो कहीं भी निशान नहीं, पूरा मेरा साफ है। पिछली साल आया था तब भी ऐसा ही था, अभी तक पूछा नहीं मारे फिर भी साफ है, क्या बोलते हो? वैसे बस तो है खूबसूरत, ये लग रहा टूरिस्ट बस है, लेकिन अभी कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई लोग, अपने मुंबई में भी इससे भी अच्छी अच्छी बस आ गई अभी, एकदम ऐसे लंदन वाली बस दिखती है। देखो टाइमिंग आ रहा है वहाँ पे 16 सेकंड हो रहा है, फटाक से पूरा करना पड़ेगा। अनपढ़ आदमी आएगा तो गाड़ी ठोक के चली जाएगी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आने के लिए वीजा का इंटरव्यू लगता है। अनपढ़ आदमी नहीं पास कर पाएगा और यहाँ पर आके मरेगा नहीं, बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का। अभी हम लोग रेस्टोरेंट एरिया में पहुंच गए हैं, फूड स्टॉल यहाँ पे अपना, ये हॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया का खाऊ मार्केट, खाऊ क्या बोलते उसको, खाऊ गली, खाऊ गली अपना, इधर सिर्फ खाने पीने का सामान मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने बजट के हिसाब से रेस्टोरेंट देखते हैं और थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। आपको दिखाते भी नहीं, खाते हुए नहीं दिखाएंगे भाई, नज़र लग जाता है, बोलते खाते टाइम में किसी को दिखाने चाहिए नहीं तो नज़र लग जाता है। तो चुपके से खाएंगे, खाने के बाद आपको फिर से दोबारा वीडियो में मिलते हैं। One eternity later. अरे तारिक भाई कैसे हो भाई? बस आपकी दुआ है भाई। अबे सिगरेट पी रहे हो क्या आजकल आप? ये भाभी को दिखाएगा मैं, क्या क्या खरीदने जा रहे हो? अरे क्या खरीदने जा रहे हो? सस्ते मिल गया, क्या बात, इतना पैसा कमाते हो फिर भी? अरे इतना पैसा कमाते हो फिर भी सस्ता सस्ता देख रहे तुम? अरे $8,000 महीने का कमाते हो, $8,000 पता कितना होता है? ₹7 लाख होता है, डोनेट कर, क्या बात है भाई। चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चाचा हैं ये, हमारे शिप पे जा रहे हैं, ऑनबोर्ड करेंगे अभी, बात हुआ इनसे, बता रहे हैं कि प्रिंसेस पे आज ऑनबोर्ड करेंगे। तो अभी इतने प्यार से बात कर रहे हैं, अभी जाएंगे शिप पे और दबा के खाएंगे और हमको परेशान करेंगे। कोई क्या होता है ना, इतना खाता है कि हम बनाने वाले हम ही हैं तो हमको परेशानी हो जाती है। सबके लिए एक एक ऑमलेट बनाया है, कोई आके 4 ऑमलेट खा जाएगा वैसे ही होगा ना। लेकिन ऐसे हमारा क्या है, ऐसे पैसेंजर आते रहते हैं, हम बनाते रहते हैं और लोग खाते रहते हैं। चलो उम्मीद करते हैं चाचा ज़्यादा नहीं खाएंगे, मिलते हैं इनसे शिप पे। हेलो भाई, अभी बहुत बहुत लेट हो गया, अभी वापस चलते हैं शिप पे। ऑल क्रू ऑन बोर्ड 3 बजे, 2:30 बज गया ऑलरेडी, नहीं तो हमको छोटी चली जाएगी शिप, तो हम चलते हैं वापस अपने शिप की तरफ। ये जो शिप है बहुत पुराना बोट है, इसको सेलिंग करना पड़ता है पानी में चलाने के लिए, इसके अंदर इंजन नहीं होता है। वैसे मेरे को तो इंजन दिखी जा रहा है, इसके अंदर इंजन है लेकिन जो ओरिजिनल ऐसा वाला होता है उसको सेलिंग करना पड़ता है। सेलिंग बोलते हैं जो पर्दा होता है ना, मूवी में देखा होगा, पर्दा इस पे टांग देते हैं और हवा से चलती है, वैसे ही रहता है। इसके अंदर तो बहरहाल इंजन भी दिया हुआ है लेकिन देखने पे बहुत एंटिक लगता है, देखते लगता है कि वो मूवी है ना, पुराना मूवी, वो पायरेट ऑफ कैरेबियन और ये सब मूवी है, और अपना जो अभी वन पीस देखते हैं उससे भी रिलेट कर पाएंगे। ये रस्सी देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा वाला शिप, लेकिन बहुत छोटा है ये, जब समंदर में जाएगी तो इतना हिलेगी कि जो शिप चलाता रहेगा ऊपर बैठा रहेगा वही बाहर फिका जाएगा, तो अपने लिए वही बेस्ट है, यही बेस्ट है अपने लिए। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है फ्लिपर्स करके, मैं जब पिछली साल आया था तो इससे बात किया था, यहाँ पे बात हुआ था, बता रहा था बंदा कि रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे जो आएगा इसके बीच में एक तालाब है छोटा सा, ये बाद में पानी में चली जाएगी, अभी 100 रुपये लगे हुए। ये रेस्टोरेंट का ऐसा सीन है कि तुम अंदर जाओगे तुमको फिशिंग रॉड दे दिया जाएगा, तुम जितना मच्छी मारोगे वो तुमको बना के खिला देंगे, चार्ज करेंगे ऐसी बात नहीं है, जितने कीजिएगा तुम्हारा मच्छी पकड़ोगे जितने गर्म करेगा उसका चार्ज करेंगे बनाने का, लेकिन ये थोड़ा अलग सा एंजॉयमेंट मिलेगा, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे भी। कुक सी फूड, यहाँ पे सब सी फूड का ही रेस्टोरेंट है वन बाई वन। वहाँ पे एक छोटा सा कैफे है, कार्स लगी हुई है सारी, ऑलमोस्ट सारी कार्स जो शिप पे आते हैं क्रूजिंग करने वो लेके आते हैं यहाँ पे, पार्क लगा के क्रूज करते हैं और जब वापस आते हैं यहाँ पे तो कार लेके चले जाते हैं। खाएंगे ना? हाँ चल भाई कुछ खाते हैं। ये तो क्या बड़ा शिप पे तो हम लोग काम करते हैं और जो लोग पैसे से कमाते हैं वहाँ पे क्रूजिंग करते हैं, लेकिन ये जो छोटा शिप चलता हुआ दिख रहा है ये अमीरों का जहाज है, ये होता है पर्सनल यार्ड, ये अंबानी जैसे लोग खरीदते हैं और इस पर बैठ के आराम से 4 दिन छुट्टी मनाने समंदर में चले जाते हैं, आराम से किसी पहाड़ के कोने में, बर्फीले पहाड़ के कोने में बैठ के आराम से जिंदगी बिताते हैं, बहुत अच्छा था। यहाँ पे अगर जॉब लगा ना पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन अकेले ही सब करना पड़ता है, जो किचन में काम करेगा वो कांदा भी काटेगा, पकाएगा भी, बाद में बर्तन भी धोएगा, साफ सफाई भी करेगा और जाके अपने साहब के प्लेट पे सब भी करेगा, उतना अच्छा नहीं है लेकिन पैसा अच्छा है तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भाई अपने लिए पैसा सब कुछ नहीं, अपने लिए यही जहाज अच्छा है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया हॉबर्ट का पूरा टूर, आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और तभी तक के लिए बहुत अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।